मैं और हरीश बात कर रहे थे। मेरे हरीश का दरवाजे पे कोई आया नहीं। हरीश का फोन आया जब ये जून के स्टार्टिंग में, जब ऐश काफी दिनों के लिए नहीं आए, तो होता है हम सबके मन में भी था ऐश नहीं आ रहे, ऐश अपडेट नहीं आ रही हो, तो हरीश के भी मन में, क्योंकि हरीश की टीम भी उनको पूछती है एज ए लीडर होने के नाते कि सर क्या है, मतलब कि लोग फालतू में डर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या मतलब कि क्या जवाब दे उनको, राइट। तो मैंने वही हरीश से, मैं कहा हरीश थोड़े दिन वेट करिए, आप आज की आवाज कुछ और है, 10-15 दिन के बाद आपका जो टोन लेवल होगा वो उस लेवल का होगा, राइट, वो कॉन्फिडेंस वाला वो सारा कुछ। तो आज मैं देख पा रहा हूँ हरीश आपकी आवाज में बिल्कुल कड़क है, वही वाली पुरानी वाली और कॉन्फिडेंस वाली। तो होता है ऐसा, कई बार अप डाउन थोड़ा होता रहता है, क्योंकि हम लोग एक उस एनवायरमेंट में है जहाँ पे आई थिंक हमें कुछ चाहिए और वो कुछ डिले हो रहा है, तो सम टाइम हमारा थोड़ा दिल डरता रहता है, बट एट द एंड दिस इज ऑन पैसिव, यहाँ पे सब कुछ सही होने वाला है जी। यस सर, डेफिनेटली, थैंक यू। थैंक यू सो मच हरीश शर्मा सर। और मेरा भाई केड़ी भाई ने हाथ ऊपर किया, मैं देखा नहीं, सॉरी वो ऑन नहीं थे, तो प्लीज केड़ी सर, डॉक्टर केड़ी सर, प्लीज कम इन एंड प्लीज पुट इन योर वर्ड्स। बताइए क्या सर, आपका फीलिंग क्या है और आपको कैसा लग रहा है? केड़ी सर कॉलिंग फॉर हेलो। डॉक्टर केड़ी शुक्ला। यस सर, यस सर, यस सर। थैंक यू वेरी मच दिनेश भाई, थैंक यू वेरी मच। बहुत दिनों बाद आज सुबह सुबह पूजा पाठ करने के बाद सेशन अटेंड करने का मौका मिला, तो थैंक यू अरे वाह, कौशिक आपका ये आइडिया कि आज सुबह सुबह अपडेट देते हैं, और संडे भी है और लोग संडे को शाम को बिजी भी हो जाते हैं, सो बहुत अच्छा एंकरिंग, बहुत अच्छा होस्टिंग आप कर रहे हैं सर। बहुत बधाई, और बहुत बहुत बधाई नीरज सर को और डिलन सर को, जो अपने मतलब बहुत वैल्यूबल टाइम्स को एक्सपेंड करते हैं और उसके बाद बहुत अच्छी डिटेल्स को कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद सुंदर शब्दों में, आसान शब्दों में हम सबको शेयर करते हैं अपडेट। अदरवाइज थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जब इतना क्लियरिटी के बाद भी कंफ्यूजन हो जाता है तो नहीं देखने का, अगर इतनी क्लियरिटी नहीं देते तो पता नहीं कितना कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है। सो थैंक यू वेरी मच, और आपके जितने भी विनर हैं उन सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, और आपके सुनहरे भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। मेरे मतलब भी कुछ चीजें कल मतलब आई हैं ट्रेनिंग्स को लेकर, सारी चीज को लेकर के, तो आई होप हम लोग एक नया एक पैराडाइम जो शिफ्ट करने वाले हैं लोगों के लिए, हम लोग बैठकर जो अपने आप से बातें करते हैं, जैसा कि ढिलन सर ने कहा, हम जो 7 लोग हैं मिलकर के कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने जा रहे हैं, और इतना बड़ा करने जा रहे हैं, सब पे करने जा रहे हैं, और मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक्साइटमेंट में मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बात कर रहा हूँ, तो मेरी बातों को समझने की कोशिश करिएगा कि मैं आज बहुत ही प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ, और दिल बिल्कुल नाच रहा है मेरा, और बारिश भी बहुत तेजी से हो रही है, मतलब मौसम भी खुशी भी जाहिर कर रहा है, बहुत दिनों से मौसम हमारे अनुरूप हुआ, सब कुछ अच्छा हो गया है कहने का मतलब। और यहाँ पर मैं यही कहना चाहूंगा, ट्रेनिंग्स को लेकर के जो बातें हो रही हैं, जो अभी उसको मैं डिटेल में जाऊंगा, अभी मैं उस पर कहना नहीं चाहता कुछ भी, लेकिन हाँ ये तय है कि अगर थोड़ा सा अच्छी चीजें और अच्छा सपोर्ट मिलता है तो हम जो चीज सोचकर हमने रखी है उसमें और बहुत बड़ा करेंगे, जैसा हमारी कंपनी, हमारी हायर अथॉरिटी बड़ा बड़ा और बड़ा करते जा रही है, उसी प्रकार मैं और हमारा जो ग्रुप है वो भी बहुत बड़ा बड़ा आने वाले हैं, बहुत बड़ा बड़ा करने जाने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं एक मैसेज देना चाहूंगा आप लोगों को, सर आप ऑन पैसे उस पोजिशन में पहुंच गए जहां पर सिर्फ 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 और सिर्फ आपको उत्सव मनाना है, और उत्सव मनाने की तैयारी भी करनी है साथ साथ में, और अपने बिजनेस को ये समझना होगा कि ऑन पैसे ट्रू बिजनेस है, और यहाँ पर बिजनेस की और प्रोडक्ट की बारीकियों को समझना होगा, और उन बारीकियों को एक्सेप्ट करके आपको आगे बढ़ना होगा, ना कि चालाकियों को सीखना। बिजनेस की चालाकियां सीखने की कोई जरूरत नहीं माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही प्योर बिजनेस है, बहुत ही साफ सुथरा बिजनेस है और ट्रू बिजनेस है, इसलिए इस बिजनेस की बारीकियां समझिए और अपने सेल्फ एफर्ट पर थोड़ा ज्यादा जोर लगाइए, सोशल मीडिया और ये सब सारी चीजों को छोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है, कौन नाम चेंज कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, उससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं तो ये जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप अपने लिए तैयार हो जाइए, जबरदस्त तरीके से इस तरह से आप अपने देश के लिए भी तैयार हो जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू नीरज, थैंक यू डिलन सर, एंड थैंक यू प्रोटीन सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। और यहाँ पर हैंड रेस तो है, रियान सरकार के बाद नगमा जी आएंगे, और लेकिन नगमा जी ने एक रिक्वेस्ट किया, देयर इज अ लेडी हु वांट्स टू डेडिकेट अ सॉन्ग टू एज सर एंड डिलन सर। डेफिनेटली नगमा जी, आपका बोलने के बाद आप उनको इनवाइट कर सकते हो और लिंक बता सकते हो, तो उनको ऐड कर देंगे पैनल में। रियान सरकार जी, प्लीज वेलकम एंड पुट इन योर थॉट्स। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो गुड मॉर्निंग ऑल इंडिया एंड वर्ल्ड। सभी को बहुत ही हम बधाई देना चाहते कि
कल का जो 24 तारीख का इवेंट था ये हमारे लिए एक बहुत ही मेमोरेबल डे था और बहुत कुछ चीजें वहां पर डिस्क्राइब किया गया। सभी लोग तो सिर्फ और सिर्फ जो वो कॉन्टेस्ट था उसका रिजल्ट देखने के लिए ज्यादातर लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन कल का जो अपडेट्स था, कल का जो मार्केटिंग कैंपेन्स का जो चीजें वहां पर दिखाया गया, हो सकता वो दुबई पर न्यू मॉल्स का जो और भी 12 मॉल्स और वहां पर सुपरमार्केट से लेकर हमारा न्यू ऑफिस अबू धाबी वहां पर ब्रांच हुआ है हमारा न्यू जो यूएई का कैपिटल है, उसके बाद आपका जो ओ कनेक्ट का न्यू वर्जन आने वाला है डेस्कटॉप और मोबाइल एप्लीकेशन के साथ, ओ ट्रैकर का जो चीजें दिखाया गया वहां पर onpassive.com वहां पर चीजें रखा गया था, तो ये बहुत जबरदस्त था और मुझे पर्सनली ये अच्छा लगा है वहां पर मार्केटिंग जो दुबई मॉल रिलेटेड और भी कुछ सुपर मॉल पर हो रहा है। हम तो सिर्फ और सिर्फ ये समझते कि कुछ चंद जगह पर हो रहा है और यही दुबई पर इतना क्यों फोकस दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें जरूर ये समझना है कि ऑन पैसिव बैकएंड पर हमें सिर्फ और सिर्फ 5% अपडेट देते हैं और बैकएंड पर 95% रहता है। तो ये जो 95% है उनमें से अगर 1% भी आपके सामने हमारे सामने रिवील होता है तो ये बहुत ही जबरदस्त होगा और ये जानने के बाद हम तो यूं ही शॉक्ड हो जाएंगे। कुछ कुछ फाउंडर्स का ये भी सवाल रह ही जाता है वहां पर कि हम फाउंडिंग मेंबर्स है तो हम ऑफिसेज को क्यों विजिट नहीं कर सकते, हम हमारे जो मार्केटिंग कैंपेन्स है वहां पर जाके हम एक्सक्लूसिव ये सारा कुछ क्यों नहीं कर सकते। तो इसके लिए जरूर आपको ध्यान रखना होगा कि हम फाउंडिंग मेंबर है ये तो ठीक है, लेकिन हम चीजों को प्रोफेशनली प्रेजेंट नहीं कर सकते लोगों के सामने। तो जो लोग प्रेजेंट कर सकते हैं ऑफिशियली उनको जरूर लिया जाएगा। आने वाले दिन और भी बहुत कुछ चीजें होगा, हमें सिर्फ एंगेज रहना होगा और सिस्टम के साथ चलना होगा। अभी कुछ कुछ लोग कल ये भी आशा लेकर बैठे थे, जैसे बैठते हैं इसके पहले भी इसके रिएक्शन भी आ रहा था कि ओ कनेक्ट रिलीज कब होगा, कोई एग्जैक्ट डेट क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो इसके लिए टेंशन मत लीजिए, ये मोबाइल डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो आप सभी का कंफ्यूजन था, जो कंफ्यूजन लोग फैला रहे थे कि ये मोबाइल एप्लीकेशन डेस्कटॉप एप्लीकेशन नहीं आने वाला इनका, तो ये भी आ चुका है, अभी सिर्फ लाइव होने को बाकी है। तो लाइव होने दीजिए और पूरा मार्केट पर जो धमाल मचने वाला है उसका आप वेट करिए। इंडिया में जो होने वाला है जो कुछ भी होगा, हो सकता है वो वर्ल्ड कप हो सकता है, अदर्स कोई थर्ड थिंग कुछ भी हो, लेकिन इंडिया एक ऐसी जगह है कि यहाँ पर चीजें वायरल होने में रातों रात, यानी रातों रात वायरल हो जाता है। एक चीज अगर वायरल होने का है तो यहाँ पर हम वायरल होने वाले हैं और बहुत ही जल्द आपका जो पूरा ये जो प्लानिंग, आपका जो सपना कुछ आने वाला है, कुछ आप यहाँ से लेने वाला है, ये सारा कुछ आपको मिलने वाला है। ये कॉन्टेस्ट, ये जो 3 प्राइजेस, ये सिर्फ ट्रेलर है, आपको इससे भी ज्यादा बहुत कुछ मिलने वाला है। तो इसके लिए वेट करिए और इस प्रोसेस का आनंद लीजिए। थैंक यू सो मच सर मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू सो मच ऑल द पैनलिस्ट, ऑल द लीडर्स एंड ऑल आवर डेडिकेटेड फाउंडिंग मेंबर्स फैमिली। थैंक यू सो मच। ओवर।